भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल 20 अगस्त को एक दिवसीय हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका ये प्रवास पूरी तरह से जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं यानी भारी बरसात के कारण अनेक स्थानों के ऊपर जो भयावह स्थिति पैदा हुई है उसको अवलोकन करते हुए और प्रशासन से चर्चा करने हेतु ये एक दिन का प्रवास रखा है और 3-4 स्थानों के ऊपर वो अवलोकन हेतु जाएंगे और शिमला में और बिलासपुर में 2 स्थानों के ऊपर वो प्रशासन के साथ सारे विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट पहले ये टूर प्रोग्राम जारी हुआ, मैं उसी की इंतजार कर रहा था। कल प्रातः 9 बजे आदरणीय नड्डा जी पौंटा साहब पहुंचेंगे और हमारा जो सतौन का हवा हेलीपैड है या कहें उसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सतौन, वहां पर लैंड करेंगे। वहां से कच्ची घाटी में हो रहा जो नुकसान है उसका अवलोकन करेंगे, सिरमौरी ताल में जो बादल फटा है उसका अवलोकन करेंगे और वहां पर प्रभावित व्यक्तियों से मिलेंगे। तत्पश्चात वापस निकल जाएंगे और प्रातः 11 बजे से पहले वो शिमला पहुंचेंगे। शिमला में शिवपाड़ी में जो मंदिर ध्वस्त हुआ और बहुत ही दुखदायी स्थिति जहां पर है, 16 शव वहां बरामद हो चुके हैं, वहां पर वो जाएंगे और उस स्थल को देखेंगे। तत्पश्चात जो हमारा कृष्णा नगर के क्षेत्र में भवन गिरे हैं उन भवनों को बाईपास से अवलोकन करने के बाद पीटरहॉफ में आएंगे जहां अधिकारियों के साथ उनकी विस्तृत चर्चा होगी। तत्पश्चात वहां से वो बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर में प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।